भलाई के लिए हम क्यों नहीं आत्मा बना सकते हैं? हम दूसरों के नौका को लहरों को चीर करके उससे गंतव्य स्थान पहुंचाते हैं तो क्या हम अपनी नौका पर नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ठान लेंगे तो हम कर लेंगे, और हम ठानेंगे नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। आज मछुआरा दिवस पर सभी से निवेदन है, सभी से प्रार्थना है कि आज इस शुभ अवसर पर सभी संकल्प में कि हमारे प्रति जो शोषण होता है, हमारे अधिकारों को जो छीना जाता है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लहरों से टकराते हैं। हमें डर कैसा तूफानों से, हम निशान बंसी हैं, हमें डर कैसा तूफानों से, सारी दुनिया में गुजरेगा। जय निशान के नारों से, जय निशान। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश स्वामी जी का। हमारे भी इस कार्यक्रम में सभी शामिल हुए हैं, घनश्याम निषाद जी, सत्या मुकेश जी, कन्हैया लाल, संतोष निषाद पत्रकार, आप लोगों का भी हार्दिक वंदन तथा स्वागत करते हैं। साहब निषाद जी केवल पूछे चलते हैं। आज जो है विश्व मछुआ दिवस है, पूरी दुनिया में आज मछुआरा दिवस मनाया जाता है। दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे भारत में जो मत्स्य विभाग के ऑफिस हैं वहाँ अधिकारी लोग मनाते हैं, लेकिन आम पब्लिक तक ये संदेश नहीं जाता है। तो आज हमने जो कि गांव में एक कार्यक्रम इसलिए किया कि गांव के लोगों तक ये बात, ये संदेश जाए कि आज का दिन जो है 21 नवंबर को हमारा भी सभी मछुआओं का जो है मछुआ समुदाय का एक दिवस है। इस पर किस किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या आयोजन किया आपने कार्यक्रम में? देखिए, इस तरह व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं तो आप देख रहे हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और इन व्यवस्थाओं के तहत जो है कि हम लोगों को, भारतवर्ष के सभी मछुआ समुदाय को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतवर्ष के सभी मछुआ समुदाय जितने भी लोग हैं ये जाने, आज तक जो है वो सभी के लिए दीप जलाएं, देवी देवताओं के लिए जाएं जलाएं, अपने आदर्श के लिए लोगों ने दीप जलाया। तो आज जो है 21 नवंबर को मछुआ समुदाय, मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतवर्ष के जितने भी मछुआ समुदाय हैं वह लोग अपने लिए एक एक दीप जलाएं, और एक दीप नहीं, कम से कम 5, 10, 20 जिसकी जितनी औकात है वो जलाएं, दीपावली के जैसे मनाएं। अगर जो बिल्कुल नहीं जला पाता है तो कम से कम एक दीप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अवश्य जलाएं। विश्व जो मछुआ दिवस मनाया जा रहा है जी, क्या आवश्यकता आन पड़ी इसे मछुआ दिवस मनाने के लिए? देखिए, मछुआ दिवस की आवश्यकता ये पड़ी कि मछुआ समुदाय के लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि मेरा कोई दिवस है, तो इसलिए आज मछुआ समुदाय के लोगों को जो है कि बताने की आवश्यकता है कि साल में एक दिन आपका भी दिवस है, और आप अपने दिवस को, दिन अपने लिए जो है कि आप मनाइए। अच्छा, जैसा कि मछुआ दिवस की बात हो रही है, तो क्या इसमें निषाद समुदाय के ही लोग हैं या अन्य समुदाय के? देखिए, निषाद समुदाय के ही लोग नहीं है, मछुआ समुदाय का मतलब होता है जितने लोग मछली मारने वाले, नाव खेने वाले, मछली पालने वाले, मछली बेचने वाले, ये सभी लोग मछुआ समुदाय में आते हैं, चाहे वो जात के हों, चाहे व्यवसाय के, चाहे व्यवसाय का हो, नहीं नहीं इसे कोई मतलब नहीं है, सब लोग मछुआ समुदाय के हैं। अगर देखिए, जात का अगर आप कहेंगे, भारत के अंदर अगर आप जात को कहेंगे, आप दूसरे अगर कंट्री में जाएंगे तो आप कभी ये नहीं देखेंगे जाति है, दूसरी कंट्री में आप ये जाएंगे तो ये पाएंगे। अगर आप भारत के किसी कोने पर जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं माझी हूँ, मल्लाह हूँ, केवट हूँ, निषाद हूँ, तो शायद जाने जाएंगे, लेकिन अगर भारत से बाहर अगर कंट्री में अगर आप जाते हैं, वहाँ आप कहते हैं मैं निषाद हूँ, माझी, मल्लाह हूँ, तो कोई नहीं जानेगा। वहाँ पर अगर आप कहते हैं कि आई एम फिशरमैन, तो वहाँ सब लोग जान जाएंगे कि मछुआ समुदाय के हैं। तो पूरे विश्व को एक बताने का मेरा काम है, एक मछुआ जो कि दिवस है, आप सभी लोग इस दिन अपने लिए, जितने भी मछुआ समुदाय के लोग हैं वो अपने लिए कम से कम एक दिन दीपावली के जैसे मनाएं। विश्व मछुआ समुदाय जो आज दिवस अपना मना रहा है, क्या योजना आपकी चली है, आप लोग के लिए सरकार चलाई है, और क्या आप उम्मीद रखते हैं सरकार से? देखिए, सरकार तो योजनाएं बहुत ही चलाई है, लेकिन उस योजनाओं का लाभ जो बाहुबली लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो है कि मछुआ समुदाय के लोग बहुत निचले स्तर पर हैं, उनके पास इतना दम नहीं, इतनी औकात नहीं है,
इसलिए वो अपने अधिकार को ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी ज़माने में ये था कि मछुआ समुदाय के लिए एक आरक्षित किया गया था, नदी नाव जंगल पोखरा तालाब पहाड़ खदान बालू खदान का मछली पालन का एक आरक्षित किया गया था, जो कि आज उसको जनरल कर दिया गया है। जब जनरल कर दिया गया है तो उसमें क्या हुआ, इस समुदाय के पास इतना पैसा नहीं, इतना बेवत नहीं है कि ये समुदाय वो सब सारी चीज़ों को हासिल कर पाए, इसलिए ये समुदाय जो वंचित है। और मैं जो है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मछुआ समुदाय का जो पहले उनके लिए आरक्षित था, पुनः सरकार एक बार संज्ञान में ले करके उनके लिए जो है कि जो उनका पहले से आरक्षित था उसको आरक्षित करे, तब जा करके मछुआ समुदाय का कुछ विकास हो सकता है। गोरखपुर क्षेत्र से डॉक्टर संजय निषाद निषाद समुदाय से बिलोंग करते हैं और मत्स्य मंत्री भी, क्या उनके मत्स्य मंत्री होने से इस समुदाय को कुछ लाभ मिला है? देखिए, मत्स्य मंत्री होने से इस समुदाय का तो अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जो मेरे संज्ञान में अभी तक कहीं लाभ नहीं हुआ है, तो अभी तो कहीं ऐसा। देखिए, इस समुदाय के लोगों को सबसे पहले ये समझा जो है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, जो कि मैं यही कहूँगा जो आज जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कम से कम ऐसा एक स्कूल कॉलेज की स्थापना करें जिसमें मछुआ समुदाय के जो बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर उनको बेहतर और हाई क्वालिटी की शिक्षा दिया जाए। जैसे बड़े बड़े नेता मंत्री के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वह शिक्षा अगर मछुआ समुदाय के बच्चों को बेहतर और हाई क्वालिटी के अगर सरकार के द्वारा से इस समुदाय के लोगों को दे दिया जाता है तो इस समुदाय का बेहतर ढंग से विकास हो सकता है। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम है फिशरमैन चंद्रभान निषाद। धन्यवाद।